रेनाउंड हार्ट स्पेशलिस्ट पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। अपने डेडिकेशन और इमेंस कंट्रीब्यूशन के लिए डॉक्टर अग्रवाल को विश्व हिंदी सम्मान, डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड जैसे अनेक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। लोगों के दिल की सेहत का खास ख्याल रखने वाले डॉक्टर अग्रवाल खुद की सेहत के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जो मैं डॉक्टरों को, जो पेशेंट्स को सिखाता हूं, अपने पे भी अमल करूं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ के लिए मेरा एक फार्मूला है 80 का फंडा, कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर और पेट की चौड़ाई 80 से कम रखें। मैं भी अपनी कोशिश करता हूँ, सिर्फ पेट की चौड़ाई थोड़ी मेरी ज़्यादा है, इसके अलावा सारे पैरामीटर्स जो मैं लोगों को सिखाता हूँ मैं अपने आप पे नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए 80 मिनट रोज़ चलें, एक हफ्ते में 80 मिनट तेज चलें और एक मिनट में कम से कम 80 कदम चलें, मैं इसको करता हूँ। साल में 80 दिन धूप में बैठें, मैं करता हूँ। उसके साथ में जो है सिगरेट ना पिए, नहीं तो 80,000 रुपये का बाईपास हो जाएगा, मैं सिगरेट नहीं पीता। शराब ना पिए, नहीं तो आपको लीवर ख़राब हो जाएगा, मैं शराब नहीं पीता उसके साथ में। और 80 साइकिल रोज की, स्लोअर एंड डीपर ब्रीदिंग जिसे प्राणायाम बोलते हैं वो करें, मैं रोज करता हूँ। रोज अनाज, साल में 80 दिन मत खाएं, मैं अनाज बिल्कुल, मैं गेहूं तो खाता ही नहीं और मैं इसको फॉलो करता हूँ। इसके अलावा एक बार में कैलोरिक फूड 80 ग्राम से ज़्यादा ना लें, 80 कैलोरिक से ज़्यादा लिक्विड ना लें, मैं इसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और इसके बाद में जब भी आप कहीं बैठे हैं, नॉइस पोल्यूशन 80 से कम हो, एयर पोल्यूशन 80 से कम हो। अब एयर पोल्यूशन मेरे हाथ में नहीं है, मैं लोएस्ट एयर पोल्यूशन में जाने की कोशिश करता हूँ। नॉइस पोल्यूशन में जहाँ पर भी मेरे को लगता है कि नॉइस पोल्यूशन होगा, मैं ईयर प्लग्स पहन के जाता हूँ, या ऐसी सिचुएशन में कम से कम समय में मैं वहाँ जाके निकलने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक मेंटल हेल्थ का सवाल है, मैं अपने पेशेंट्स को 6 चीज़ें सिखाता हूँ कि सोमवार को नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, नो गॉसिप, नो क्रिटिसिज्म, नो कंडेम, नो कंप्लेंस, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। ट्यूसडे को कन्फेशन, रात को 3 मिनट अपना कन्फेशन करो और जिनसे आपकी नहीं बनती उससे बनाने की कोशिश करो, अननोन लोगों को जानने की कोशिश करो, मैं इसको अमल करता हूँ। वेडनेसडे को हर जो आदमी मिले उसको नॉन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट दो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको कॉम्प्लीमेंट दो, वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। थर्सडे को थिंक डिफरेंटली, अपनी सोच बदलो, मैं उसको फॉलो करता हूँ। फ्राइडे को बी विद द नेचर, जब मेरे को मौका मिलता है मैं नेचर में जाने की कोशिश करता हूँ। और सैटरडे को मे आई हेल्प यू शुड बी योर कॉन्सेप्ट, मेरी तो सीट के पीछे ही लिखा हुआ है IMA के अंदर में, दैट माई आंसर इज येस, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। मेरी हमेशा नेचर जो है वो हेल्पिंग नेचर ही है। डॉक्टर अग्रवाल जानते हैं कि व्यस्त दिनचर्या और जिम्मेदारियों के बीच तनाव से बचना मुश्किल है, इसीलिए स्ट्रेस से बचने के लिए वो कुछ यूनिक टेक्निक्स अपनाते हैं। मेरे लिए स्ट्रेस इज़ द रिएक्शन ऑफ द माइंड एंड द बॉडी टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सिचुएशन। अगर मैं सिचुएशन नहीं बदल सकता, मैं अपना इंटरप्रिटेशन चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए सब लोग एक जैसे हैं और हमारी कई सारी कैंपेन्स हैं, नमस्ते, अगर आप नमस्ते करना सीखते हो, हाथ नहीं मिलाते तो इन्फेक्शन भी जाएंगे, फिर आपकी ईगो भी कम हो जाती है। मेरा एक प्रिंसिपल है, अगर कोई दूसरा आदमी गुस्से में हो तो आप दोबारा आप उसको रिएक्शन गुस्से में ना दो, अगर एक गुस्से में है तो दूसरा चुप हो जाए। तो ये सारी थेरेपीज़, ये सारे प्रिंसिपल्स को मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। प्राणायाम, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, इससे आप गुस्से को मैनेज कर सकते हो, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेस को हटाना मुश्किल है, उसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अग्रवाल सीनियर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट तो हैं ही, साथ ही माइंड बॉडी कंसल्टेंट और वर्ल्ड क्लास क्लिनिकल इको कार्डियोग्राफर भी हैं। इतना ही नहीं, लेखन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है। इन मल्टीपल रोल्स को बखूबी निभाने के लिए वो हर काम को पूरा वक्त देते हैं। उन्होंने अपना डेली रूटीन कुछ इस तरह सेट किया है कि काम और सेहत के बीच संतुलन बना रहे। मैं हमेशा समय पे उठता हूँ, मैं सो जब मर्जी 4 और 5 बजे के बीच में उठने की कोशिश करता हूँ। उठने के बाद में अपना नॉर्मल सवेरे की नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने के बाद में फिर मैं अपने कंप्यूटर में बैठ जाता हूँ, क्योंकि वो क्रिएटिव माइंड होता है उस वक्त में। और अभी तक मैं कुछ भी नहीं खाता, अगर कभी लिया तो थोड़ा सा पानी पी लिया। तो उसके बाद में अपना स्नान करने के बाद में मैं ब्रेकफास्ट के अंदर में दूध लेता हूँ, दूध के साथ में ड्राई फ्रूट्स होते हैं मेरे पास में, और कभी मैं, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन एग लेता हूँ, तो मैं एग ले लेता हूँ।
या फ्रूट्स ले लेता हूँ उसके साथ में, और उसके बाद में मैं वॉक करता हूँ। वॉक करके अपने ऑफिस में जाता हूँ 11 बजे के करीब, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ जाके मैं एक सूप पीता हूँ, और वेजिटेरियन सूप वहाँ पर मैं पीता हूँ 11 बजे के आसपास, या फल खा लेता हूँ। और उसके बाद में अपना ऑफिस का मेरा काम होता है। अर्ली लंच लेता हूँ 12 और 1 बजे के बीच में। लंच में मैं सब्जी, दाल और ज़्यादा से ज़्यादा एक बेसन या चने की रोटी, मैं गेहूँ की रोटी दोपहर में नहीं खाता। फिर दोपहर में मैं कंटिन्यूसली मेरे या मीटिंग्स होती हैं सरकार की, या दिल्ली सरकार की, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मेरी मीटिंग्स होती हैं 5 बजे के करीब। फिर मैं एक सूप या सैलेड या एक फ्रूट खाता हूँ, और 6, 7, और 8 के बीच में मैं अर्ली डिनर लेता हूँ। जब भी मेरे को मौका लगता है, मेरा डिनर यूजुअली 8 बजे तक मेरा ख़त्म हो जाता है। डिनर में मैं एक रोटी या थोड़ा सा चावल, और रोटी मेरी अनाज की नहीं होती, मैं गेहूँ की रोटी नहीं खाता, और मैं कोशिश करता हूँ गेहूँ को जितना कम खा सकूँ उतना खाऊँ, और फिर सब्ज़ी और दाल, और उसके बाद में कोई भी सेवियाँ या कोई भी एक चीज़ खा के, और रात को 9 और 10 बजे के बीच में सोने की कोशिश करता हूँ। सोने से पहले मुझे आधा घंटा कुछ ना कुछ कल्चरल ज़रूर चाहिए टीवी के अंदर में, लेकिन वो हर कल्चरल में मैं एक मैसेज ढूंढता हूँ कि आज मैंने क्या सीखा। सोने से पहले मैं हमेशा ध्यान करता हूँ अपने दिन का, कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अच्छे काम के लिए मैं अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ, और बुरे काम के लिए मैं अपने आप को सॉरी बोलता हूँ कि आज मैंने ये गलत किया। आई ट्राई टू रिटायर इन बैड, ये सोच के कि आज का दिन भी मेरा पॉजिटिव रहा, अगर पॉजिटिव नहीं रहा तो कम से कम न्यूट्रल रहा। डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि हेल्दी और एनर्जेटिक रहने के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, और इसके लिए वो खुद भी डेली एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं। जहाँ तक एक्सरसाइज का सवाल है, आई बिलीव इन वॉकिंग। मेरे पास में अपने जहाँ मौका मिलता है मैं वॉक करता हूँ। अगर मेरे को किसी का फ़ोन आता है, मैं खड़ा होकर वॉक करता हुआ चला जाता हूँ। अगर एक मंजिला जाना है तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, मैं उसमें लिफ्ट नहीं लेता, लेकिन ऊपर जाना है तो मैं लिफ्ट लेता हूँ। और स्लोअर एंड डीपर ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, ये सारी एक्सरसाइजेज हैं। स्टेज 1 हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस, ये एक्सरसाइज मैं करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर अग्रवाल मानते हैं कि आज की लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हर चुनौती का जवाब देने के लिए सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। अगर हम सब लोग भी प्रकृति के नियमों का पालन करें, अपने लाइफस्टाइल को बदलें, और एक कॉमन लाइफस्टाइल बदलें, तो उससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, सब बीमारियों से बचा जा सकता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, एनीथिंग अनयूजुअल, एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एनीथिंग विच कैनॉट बी एक्सप्लेन, डोंट इग्नोर इट, इमीडिएटली गो टू योर डॉक्टर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।